पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई थी। श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा था कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दे तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए जिसे रावण हर के लेकर गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करके समाप्त हो चुका है। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्रीराम के समक्ष लेकर आए तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया व उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्रीराम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्रीराम को लौटा दिया था जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी।